आज जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं वो आप पढ़ रहे हैं रैम टाइप एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। रैम टाइप मींस इन दिस टाइप ऑफ कन्वर्टर वी आर गिविंग अ रैम टाइप सिग्नल एनालॉग सिग्नल एंड वी वांट टू जेनरेट द इक्विवेलेंट डिजिटल वैल्यू ऑफ इट। जस्ट सी द ब्लॉक डायग्राम। तो रैम टाइप जो कन्वर्टर है, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर है, इसका डायग्राम ये है। और इसमें आप देखेंगे कि हम फाइव बेसिक ब्लॉक यूज कर रहे हैं। वन इज कंपैरेटर, रैंप जेनरेटर, काउंटर, गेट एंड क्लॉक बस जेनरेटर। यदि हम यहाँ से कोई नोन जो एनालॉग सिग्नल है जिसको आप कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, वी आर गिविंग एनालॉग सिग्नल फ्रॉम दिस टर्मिनल। ओके, तो हाउ दिस डिवाइस विल वर्क, जस्ट सी हाउ दे आर इंटरकनेक्टेड। तो सबसे पहले क्या होगा, कंपैरेटर में दो इनपुट आ रहे हैं। एक इनपुट आपका कहाँ से आ रहा है, एनालॉग इनपुट, और दूसरा आप लीनियर रैंप इनपुट वोल्टेज जनरेट कर रहे हैं फ्रॉम द रैंप जनरेटर। तो जैसे ही जनरेटर का आउटपुट इनिशिएट कब होगा, जैसे ही आप स्टार्ट सिग्नल अप्लाई करोगे तो जनरेटर ये कहाँ जा रहा है, रैंप जनरेटर को जा रहा है। तो रैंप जनरेटर विल स्टार्ट जनरेटिंग द रैंप आउटपुट और स्टार्ट सिग्नल एट द सेम टाइम। देखिए स्टार्ट कहाँ से कनेक्ट है, इट इज ऑल्सो कनेक्टेड विद द काउंटर, और स्टार्ट सिग्नल विल रीसेट द काउंटर टू जीरो एंड स्टार्ट सिग्नल विल ऑल्सो इनेबल द गेट सर्किट। गेट सर्किट इज कनेक्टेड विद द क्लॉक पल्स जनरेटर। क्लॉक पल्स जनरेटर कंटिन्यूअसली एक पल्स देगी। तो जब जब गेट इनेबल है काउंटर की काउंट चेंज होगी, और जब गेट डिसेबल हो जाएगा तो काउंटर की जो भी काउंट है वो वहां पे स्टेबल हो जाएगा। एंड वन मोर थिंग, कि द आउटपुट कंपैरेटर का आउटपुट कहाँ जा रहा है, गेट को जा रहा है। दिस कनेक्शन इज ऑल्सो नीड टू बी ड्रॉन। सो नाउ वी विल स्टार्ट हाउ इट वर्क्स। सबसे पहले हमने क्या किया, टू इनपुट्स आर अप्लाइड टू द कंपैरेटर। एनालॉग इनपुट आया, रैंप इनपुट आया, इन दोनों में कंपैरिजन हुआ, स्टार्ट सिग्नल अप्लाई हुआ, स्टार्ट सिग्नल ने काउंटर को जीरो कर दिया और गेट को इनेबल कर दिया। अब आपका एनालॉग और रैंप जो दो इनपुट सिग्नल आ रहे हैं कंपैरेटर, ये कंपैरेटर इन दोनों का यदि मैग्नीट्यूड में कोई डिफरेंस है तो गेट सिग्नल इनेबल्ड है, और गेट सिग्नल इनेबल्ड है तो जो क्लॉक पल्स जनरेटर है वो एक कंटिन्यूअसली पल्स जनरेट कर रहा है और गेट के थ्रू काउंटर ड्राइव हो रहा है। तो काउंटर विल कीप ऑन इंक्रीजिंग द काउंट, फिर दूसरी वैल्यू कंपेयर होंगी, और इस तरह से कंटिन्यूअसली दोनों सिग्नल कंपेयर होंगे। एक टाइम व्हेन दिस रैंप जनरेटर एंड दिस एनालॉग सिग्नल विल बिकम्स इक्वल्स टू जीरो, तो जब ये जीरो होगा तो ये क्या होगा, कंपैरेटर जनरेटर स्टॉप सिग्नल एंड इट विल डिसेबल द गेट। तो इस टाइप जो होगा, कंपैरिजन एंड हो गया, कंपैरिजन एंड हो गया और गेट डिसेबल हो गया, तो इवन आप क्लॉक पल्स जनरेटर भी पल्स आ भी रहे हैं तो काउंटर की काउंट इंक्रीज नहीं होगी। तो इसमें आपका इस टाइम पे द नंबर ऑफ पल्सेस एक्युमुलेटेड इन द काउंटर ड्यूरिंग दिस कंपैरिजन टाइम इज प्रोपोर्शनल टू द एम्पलीट्यूड ऑफ दिस एनालॉग सिग्नल। मतलब एनालॉग सिग्नल जो था, कंटिन्यूअस कंपैरिजन हुआ, काउंटर इंक्रीज होता गया, तो काउंटर की जो वैल्यू है वो डेसिमल जो आउटपुट आपको मिल रहा है, इट इज नथिंग बट इट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वैल्यू ऑफ दिस एनालॉग सिग्नल। दिस इज हाउ योर रैम टाइप एडीसी वर्क्स। सो इन द सेम वे विल हैव अनदर टाइप ऑफ कन्वर्टर्स इन द नेक्स्ट सेशन। विल स्टडी अबाउट ड्यूल स्लोप, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड इंटीग्रेशन एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। विल स्टडी इट।